खबर यूपी से, जहां पर यूपी में आज टीईटी की परीक्षा हो रही है, वहीं कुछ जगहों पर छात्रों ने परीक्षा को लेकर हंगामा किया है। तो कन्नौज में कागजात पूरे नहीं होने से छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है और इसी के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कागजात पूरे होने के बावजूद परीक्षा केंद्र में नहीं प्रवेश करने दिया गया है उन्हें। वहीं नाराज छात्रों ने प्रवेश पत्र को फाड़ दिया है। स्कूल प्रिंसिपल पर भी तानाशाही का आरोप लगाया गया है। तो वहीं पीलीभीत में भी छात्रों ने हंगामा किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी टीईटी की परीक्षा आज हो रही है और इस परीक्षा में कई परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसी परीक्षा के दौरान छात्रों का कुछ जगहों पर हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कागजात पूरे नहीं होने के चलते इन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया और इसी को लेकर इनकी नाराजगी ये सामने आ रही है। तो छात्रों पर कागजात नहीं पूरे होने का आरोप है और इसी के चलते उन्हें परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया। तो आरोप लगाया है छात्रों ने प्रिंसिपल पर कि तानाशाही की जा रही है और जब उनको इसके बावजूद भी घुसने नहीं दिया गया तो उन्होंने अपने प्रवेश पत्र को ही फाड़ दिया। तो नाराज छात्र हैं और इसी पर हिंसा यहां पर इन फिलहाल छात्रों की जारी है। तो आपको बता दें कि टीईटी की परीक्षा है, यूपी टीईटी की परीक्षा, करीब 16 लाख अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पीलीभीत और कन्नौज में परीक्षा के दौरान इन छात्रों का गुस्सा देखा गया है, हंगामा देखा गया है। तो आरोप लगाया गया है कि पूरे कागजात थे लेकिन बावजूद इसके उन्हें परीक्षा केंद्र के भीतर घुसने नहीं दिया गया और ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की तानाशाही है। और पीलीभीत से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज सक्सेना यहां पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी, वहां पर आरोप आखिरकार ये छात्र क्या लगा रहे हैं? हाँ, आपको बता दें कि आज जो है टीईटी की परीक्षा थी, एनआईएस के छात्रों का ये आरोप लगाया गया है कि इनके पास में प्रवेश पत्र भेज दिए गए और इनको एग्जाम के लिए बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग एग्जाम देने के लिए पीलीभीत में आए रामा इंटर कॉलेज में, तो वहां पर डीआईएस ने यह कह दिया कि शासन का आदेश आया है कि आप लोग को परीक्षा नहीं देनी दी जाएगी। तो छात्रों का ये भी कहना था कि अगर शासन का आदेश आया है तो आप हमें लिखित में शासन का आदेश दिखा दीजिए, लेकिन डीआईएस गोलमाल करते रहे। इस बीच छात्र छात्राओं ने हंगामा करा तो वहां पे एसडीएम और सीओ पहुंचे। फिर उसके बाद में छात्र लोग जब वहां पे नहीं सुना गया तो ये लोग डीएम आवास पे आके इन्होंने हंगामा काटा। लेकिन पंकज, कागजात पूरे नहीं थे ये यहाँ पर कहा जा रहा है, कौन से कागजात की यहाँ पर बात कही जा रही है कि पूरे नहीं थे? और अब डीएम के पास ही गए हैं, क्या आश्वासन मिला है फिलहाल? प्रशासन तो यही लगातार कह रहा है कि हमारे से ऊपर से आदेश आया है कि परीक्षा में आप लोगों को नहीं बैठने दिया जाए। भाई, छात्रों का डीएस से कहा गया कि आपको अगर आदेश आया है तो हमारे लिए आप दिखाओ, हमारे पास प्रवेश पत्र है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या चीज हमारे पास नहीं है? लेकिन इधर जब देखा जा रहा है प्रशासन का गोलमोल रवैया रहा, अब संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं पंकज जी, समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये वक्त पर नहीं पहुंचे या इनके पास कुछ अलग से कोई कागजात थे कि उन्हीं बच्चों को यहाँ पर जाने से अंदर रोका गया है, या फिर चिन्हित थे ये बच्चे कि ये भीतर जाएंगे ही नहीं? नहीं, जहां तक देखा जा रहा है कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि जो एनएस के छात्र हैं, ऊपर से शासन का जो डीआईएस कह रहे हैं कि शासन का आदेश है कि एनएस के छात्रों को ये परीक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर परीक्षा नहीं देनी थी तो इनके प्रवेश पत्र क्यों जारी करे गए? बिल्कुल। फिर इनके लिए परीक्षा के लिए क्यों बुलाया गया? अगर इनका रद्द करा गया था तो दो दिन पहले ही ये सूचना भेज देनी थी कि ये लोग बैठने के काबिल नहीं है। अभी क्या वहां से जानकारी मिल रही है? हंगामा जो इन छात्रों ने किया है, डीएम के पास गए हैं, क्या आश्वासन इनको मिला है? अभी ये लोग डीएम परिसर में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी डीएम साहब आए नहीं है बाहर निकल के। अब वो आते हैं तो देखिए क्या आश्वासन मिलता है। ये लोग जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन जो है, जहाँ पर ये परीक्षा देने गए थे, उनसे बातचीत आपकी हो पाई है पंकज? उनका क्या कहना है? नहीं, उनका कोई उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस अधिकारी जो सीओ सिटी थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये आदेश दिया गया, इन छात्रों को जो है नहीं बैठने दिया जाएगा। और डीआईएस का कहना है तो यही कह रहे हैं कि आप डीआईएस से बात करिए, डीआईएस ने कहा है हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी।